नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है देश करे करण जौहर की पार्टी की जांच की मांग, एनसीबी करे कार्रवाई। इसे देखिए, 58% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी मेरे सम्मानित दर्शक भी जुड़ेंगे। क्या करण जौहर के घर पर हुई पार्टी की जांच का वक्त आ गया है? बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन पर सवालों का तूफान उठा है। देश की बहस में जब यह मुद्दा उठा तो पार्टी की जांच की मांग करने वालों की फेरिस्त लंबी होते चली गई और इसी के साथ ये बहस भी तेज है कि ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में बच्चन परिवार को भी शामिल होना चाहिए। एनसीबी में लिखित शिकायत करने वाले मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ट्वीट किया कि बहुत जल्द करण जांच एजेंसी के सवालों का सामना करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या करण जौहर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इसमें गलत क्या है? कोई आरोप नहीं लगा रहा। दर्शकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला शो देश की बहस में हम लगातार बॉलीवुड और उनसे जुड़े ड्रग्स कनेक्शन के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इसी कड़ी में करण जौहर की पार्टी की जांच को लेकर देश भर में मांग तेजी से उठ रही है। देश की बहस में करण जौहर की पार्टी की जांच एनसीबी से कराने की मांग बुधवार को शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने की। मैं आपको ये बड़े शब्द अपने कन्विक्शन के साथ कहना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं उनमें से कोई बोलता क्यों नहीं? क्योंकि गलत वो हैं, गलत मैं नहीं हूं। मैंने ना तो कहा कि इनको जेल में डालो, ना तो मैंने कहा कि इन पे मुकदमे दर्ज, मैंने तो कहा इस केस को इन्वेस्टिगेट करो, इसकी छानबीन होनी चाहिए। इससे पहले अभिनेता मुकेश खन्ना समेत देश भर से एक ही मांग उठ रही है कि करण जौहर की पार्टी की भी जांच होनी चाहिए। ड्रग्स लिया गया था तो इसकी निष्पक्ष जांच करके पब्लिक के सामने आनी चाहिए, जांच होना चाहिए और एक एक लोगों को सजा मिलना चाहिए, पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऊपर जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए। दरअसल बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो ड्रग्स के धंधे में लिप्त हैं। इस बीच न्यूज नेशन से बात करते हुए ड्रग्स मामले में जयप्रदा ने जया बच्चन के संसद में दिए बयान पर नसीहत दे डाली। जो अच्छा तो अच्छा है, बुरा को बुरा भी कहना चाहिए। हम क्यों नहीं, चार्टी शुड स्टार्ट फ्रॉम द होम। आप इंडस्ट्री के जो फर्स्ट फैमिली कहलाया जाते हैं, तो अमित जी जो बोलते हैं लोग सुनना चाहते हैं, जया जी पार्लियामेंट में आवाज उठाती है, तो मैं उनको कह रही हूँ व्हाई कांट यू स्टार्ट। यानी ड्रग्स पर अब पूरे देश भर में एक्शन होने की मांग जोर पकड़ रही है। आज देश की बहस में इसी बात पर चर्चा हो रही है कि अब एनसीबी को करण जौहर की पार्टी की जांच करनी चाहिए और युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाना चाहिए। आखिर ये देश हित का सवाल है। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या बच्चन परिवार को ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू करना चाहिए? क्योंकि अब देश उनसे मांग कर रहा है। इसलिए मांग कर रहा है क्योंकि जया बच्चन राज्यसभा में ड्रग्स के साथ खड़ी नजर आई, इसीलिए अमिताभ बच्चन को इस मसले पर अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, हमारी वेबसाइट आप जानते हैं www.newsnation.com, हमारे मोबाइल ऐप, ट्विटर हैंडल, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज, और इसके अलावा हम आपको ये भी सुझाव देते हैं कि अगर आप शो में शामिल होना चाहते हैं और कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप बनाकर हमें 9711002266 पर भेजें। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं क्योंकि ये देश की इकलौता बहस का शो है जिसमें दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात क्या है, कोरोना काल में सरकार क्या कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नवनीत राणा जी जुड़ेंगी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमरावती से। लेकिन इस वक्त मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। नवनीत राणा जी हमारे साथ वन टू वन जुड़ेंगी। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा है, मेरे साथ गणेश हिवारकर साहब हैं जो कि एक कोरियोग्राफर हैं और सुशांत सिंह राजपूत को डांस सिखाया करते थे, जाने माने कोरियोग्राफर हैं। मेरे साथ किशोर तिवारी जी हैं जो कि शिवसेना के सपोर्टर हैं। मेरे साथ अरुण बख्शी जी हैं जो जाने माने कलाकार हैं और साथ ही साथ कई सैकड़ों फिल्मों में और टीवी सीरियल में काम किया है। आपने महाभारत के अंदर इनको एक बहुत बड़ा किरदार निभाते हुए देखा होगा। अरुण बख्शी जी, ड्रग्स को लेकर ये जो बहस चली है और इस वक्त महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से सुशांत सिंह केस को हैंडल किया है, बाकी चीजों को हैंडल किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है बच्चन परिवार को जया बच्चन के स्टेटमेंट के बाद ड्रग्स के खिलाफ मुहिम की अगुवाई करना चाहिए जो जया प्रदा कह रही है?
सारी दुनिया को पता है दीपक जी नमस्कार, सारी दुनिया को पता है कि यहाँ के प्रशासन ने, महाराष्ट्र के प्रशासन ने इस केस को किस तरह से डील किया है। अभी पहली सुर लगी नहीं है तो यहाँ के जो होम मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि दिस इज, ये आत्महत्या का केस है। सब ने बोल दिया आत्महत्या का केस है, कुछ नहीं हुआ अभी तक, लाश को भी निकाला नहीं था। और उसके बाद ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना बड़ा महाराष्ट्र, एक राष्ट्र में इतना बड़ा महाराष्ट्र, उसके बाद ये हाल है कि लोग बोलते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आत्महत्या का केस है, नंबर वन। उसके बाद एंगल आया नारकोटिक्स का, नारकोटिक्स का एंगल आने के बाद में ज्ञान चक्षु खुले हैं हर तरफ। और ये फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, लेट मी कम बैक वेरी स्टर्नली ऑन फिल्म इंडस्ट्री, माय इंडस्ट्री, जिन्होंने हम सबको नाम दिया है, एक इज्जत दी है, सब कुछ दिया है, उसमें ये कौन सी जनरेशन है? किसी ने कहा, उसने कहा है मोहतरमा ने कि 99% लोग जो हैं वो उसमें हैं, ड्रग्स में हैं। 99% का मतलब यह है कि सिर्फ एक पर, ये कौन सी जनरेशन है? ये उनकी जनरेशन है, ये हमारी जनरेशन नहीं है। हमारी जनरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, अगर होगा तो इक्का दुक्का होगा, डेफिनेटली ये दुनिया है। लेकिन इनकी जनरेशन में 98-99% है। वो जो वो आया है वीडियो जो आया, उसमें आप देखिए ना क्या हाल है इस वक्त। हमारा हाल ये है कि वी आर लाइक ए हेडलेस चिकन, हेडलेस चिकन की तरह है। हमारे सर के ऊपर कोई माई बाप नहीं है जिनसे हम तवक्को रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं वो आएंगे, वो काम करेंगे, वो चुप हैं सर। क्यों चुप है बताइए ना अरुण बख्शी जी, क्यों ना बड़े बड़े सितारे निकल कर आए और ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन में अगुवाई करें? बड़े संक्षेप में जवाब चाहूंगा आपसे। खामोशी के मोड में से निकलिए, सॉरी मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं निकल कर आ रहे हैं ड्रग्स की खिलाफत खुलकर? ये बड़े लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टार क्यों? हर क्यों दीपक जी, हर क्यों का कोई जवाब नहीं है सर, कोई जवाब नहीं है। ही इज शूटिंग मैन, ही शुड कम आउट। थैंक्स टू जया जी, कम अज कम वो निकली हैं, उन्होंने बोला है, एंड शी हैज सेड कि ये इंटरनेशनली, ये फिल्म हमारा बॉलीवुड इट्स ए ह्यूज इंडस्ट्री, ह्यूज इंडस्ट्री। अब हर कोई आदमी अपने एंगल पे बिल्कुल ठीक है, अगर रवि किशन है उसने भी ठीक बोला है, और इनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपना अलग अलग है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसमें सबको इतना मान सम्मान, पैसा, सब कुछ इज्जत मिली है, उसका ख्याल करना है। हमको लीडर की जरूरत है। बच्चन जी शुड कम आउट नाउ, ही हैज नेवर स्पोकन अबाउट दिस। अंदर ही अंदर अच्छा काम करते हैं, लेकिन बच्चन जी प्लीज कम आउट, वी वांट योर प्रेजेंस, We want your presence. ठीक है, गणेश से पूछते हैं, बच्चन साहब सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पूरी तरह से खामोश है, बड़ी बड़ी बातें वो करे, गणेश क्यों खामोश है आप बताइए, खुलकर बताइए। बच्चन साहब ही नहीं, दुनिया के सारी सारी फिल्म इंडस्ट्री खामोश है। दो तीन लोग जो बोल रहे उनकी उनके अपोजिट में आने के लिए बोल रहे हैं। अरुण बख्शी जी, मैंने आपकी बहुत सारी अप्रोक्सीमेट बहुत सारी फिल्में देखी है, महाभारत के किरदार को मैं आपके बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन एक बात बताइए, फिल्म इंडस्ट्री का कोई आदमी सुशांत के मरने पर नहीं आता है, कोई सामने नहीं आता है? संजय दत्त जो क्राइम में था उसके लिए आप रोड पे आ जाते हैं, अक्षय कुमार, राजे देवगन, सारे के सारे लोग, और ये हमारा सुशांत विक्टिम था, फिर भी तुम विक्टिम के लिए रोड पे नहीं आए, कुछ एक ट्वीट नहीं किया जस्टिस फॉर सुशांत या सीबीआई फॉर सुशांत। और कंगना रनावत जब अपोजिट में आके आवाज़ उठा रही है, सुशांत के लिए आवाज़ उठा रही है, तो तुमने उसको बोल दिया उल्टा, ये क्या बात है? जया जया जी, अमिताभ बच्चन जी, जया जी आपकी बहुत रिस्पेक्ट है दुनिया में, आप सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, सब मेंबर पार्लियामेंट भी है, वहाँ राजनीति में भी है, एक बहुत बड़े महानायक की वाइफ भी है, बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, ऐसे कमेंट देना पसंद नहीं है। एक बात बताइए, वो बोल रहे जिस थाली में खाता उस थाली में छेद करेंगे, अरे तुम थाली में ड्रग्स परोसोगे तो हम उसको छेद नहीं करेंगे, हम तोड़ ही देंगे उसको। तुम क्या ड्रग्स परोसना चाहते हो दुनिया को? अभी ये ड्रग्स का मामला आया है, ड्रग्स को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं लोग, तो उसको सपोर्ट करने के बजाय जाइए। मैं खुद भी कहता हूँ आज कंगना रनौत को सपोर्ट करता हूँ कि 90% लोग ड्रग्स लेते हैं, ये गटर है, गटर बहुत बड़ा, ये इसका मतलब ये नहीं कि हमको इसने रोटी दी तो हम गाली दे रहे, नहीं है। किशोर तिवारी, बड़ी सीधी बात पूछ रहा हूँ आपसे, हम उनके रिस्पेक्ट करेंगे। तीन दिन हो गए जब हमने करण जौहर की पार्टी की तस्वीरें दिखाई थी। गणेश जी रुकना होगा आपको, मानवी मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। के शर्मा जी और किशोर तिवारी जी, सीधा सवाल मेरा
यहां पर किशोर तिवारी जी से 3 दिन हो गए जब मुकेश खन्ना ने यह कहा कि इस ड्रग्स पार्टी की जांच होनी चाहिए। आज पूरा देश कह रहा है कि करण जौहर की जो तथाकथित पार्टी है जिसे ड्रग पार्टी कहा जा रहा है, जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही मुंबई पुलिस का नार्कोटिक सेल, मुझे बताइए। वो एक सुओ मोटो केस दर्ज कर सकता है, उसका यह अधिकार है। देखो क्या हुआ, जो सांसद जो एमएलए अकाली दल के आए थे वो फिर एनसीपी के अस्थाना जी से मिले। उन्होंने पूरा केस अस्थाना जी को समझाया। अस्थाना जी ने बोला कि हम बॉलीवुड में सफाई के लिए ही आए हैं, वैसे तो हम अंतरराष्ट्रीय मामले पे देखते हैं, इतने छोटे मामले में हमको कुछ करना नहीं था। अब हम इसमें जांच कर रहे हैं कि कितना बॉलीवुड इसमें फंसा हुआ है। तो मामला अभी एनसीपी के पास चला गया है। मामला तो आपके पास भी था किशोर तिवारी जी, आपने क्यों टाल दिया? किसको बचा रही थी उद्धव सरकार, बताइए ना। मामला तो आपके पास भी था, आपने क्यों टाल दिया? किसको बचा रही थी उद्धव सरकार करण जौहर के मामले में? और कंगना तो साफ लिखती है कि करण जौहर आदित्य ठाकरे के खास दोस्त हैं। अभी आप आ गए ना, अपने एजेंडा पे आ गए आप। सर मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कार्यक्रम का नाम है देश की बहस, और देश जो सवाल पूछता है वो मैं पूछता हूँ। आप सोशल मीडिया पढ़ लीजिएगा, क्या यह सवाल पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है, जवाब हाँ या ना में दे दीजिए। देखो नहीं तो राज्य या राष्ट्रीय बीजेपी ने यह सवाल पूछा है, नहीं तो अशोक ने पूछा है, नहीं तो वर्कर साहब ने पूछा है। अब आप शिवसेना का रोल है कि कोई किसी का दोस्त रहता है और दोस्त ड्रग लेता है, तो मैं क्या इवरकर साहब का वो करीबी था सुशांत सिंह जो ड्रग लेता था, तो मैं इनको थोड़ी बोल सकता। 90% सर मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, आप खुद जंप गन कर रहे हैं। के शर्मा जी, मैंने कहीं बोला किसी के पर इशारा उठाया कि ये ड्रग लेते हैं या ये नहीं लेते हैं? मैंने सिर्फ इतना कहा कि कंगना ने ये लिखा है कि करण जौहर पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो आदित्य ठाकरे के दोस्त है, क्या सच है? नहीं नहीं, मैं दीपक जी एक बड़े परिप्रेक्ष्य पे इस विमर्श को की चर्चा को करना चाहता हूँ। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि 3 दिन पहले से जब मुकेश खन्ना जी ने इशू उठाया, और सिरसा साहब तो 1 साल पहले इशू को उठाए और मुंबई पुलिस के सामने इशू था। 1-2 विधायक आपके पार्टी यानी वहां के शिवसेना के और पार्टी के लोग मिलके गृह मंत्री को सदन के अंदर में पत्र लिख देते हैं और उसमें उनको अपील कर देते हैं, तो आप 2016 का एक इंटरव्यू को आधार बनाते और उसके आधार पर आप केस दर्ज करके जांच करने की बात करते हैं। इतनी बड़ी एफिशिएंसी मुंबई पुलिस की और होम मिनिस्ट्री की सरकार की शिवसेना की, और 1 साल पहले का जिसमें एक इंटरव्यू जिसमें कोई विषय नहीं हो, कल वो इंटरव्यू से वो मना भी कर रहे हैं, कर चुके हैं मना ले रहा हूं किसी का, मैं तो केवल एक जिक्र कर रहा हूं, मना भी क्या, वो ये कह रहे हैं कि साहब मेरे को इससे बाहर रखो, अलग विषय है वो क्यों कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपके पास वीडियो फुटेज है, आपके पास वीडियो फुटेज है और आपके पास इसका शिकायत पहले भी गया हुआ है, इसके बावजूद आपके जो है हाथ बांध के बैठ गया, क्यों बैठ गया? ठीक है, यही सवाल लेके जाऊंगा के शर्मा जी, हाथ बांध कर क्यों बैठे हैं? और अगर गवर्नेंस नहीं करना था तो महाराष्ट्र में सरकार क्यों बनाई? वो तो कह रहे हैं सीबीआई का काम है, ईडी का काम है, एनसीबी का काम है, तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी क्या? किशोर तिवारी जी सीधे आपके पास आऊंगा। कीर्ति राठौर के भाई एक मिनट, कीर्ति राठौर जी मेरी एक सम्मानित दर्शक जयपुर से जुड़ चुकी है। कीर्ति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा 2 बातें, क्या करण जौहर की ड्रग पार्टी की जांच होनी चाहिए, और दूसरी है जयप्रदा कह रही है कि जया बच्चन जी ऐसा क्यों कह रही है, बल्कि बच्चन परिवार को फ्रंट से लीड करना चाहिए, बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है, उनको तो ड्रग के खिलाफ कैंपेन चलाना चाहिए, दोनों मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं एक तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक चौरसिया जी, आप इतने इस देश की बहस को वाकई में बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि जो जया बच्चन जी ये इस तरह का बयान दे रही हैं इतने बड़े पद पे होते हुए, एक तो वो सम्मानित महिला हैं हमारे राष्ट्र की जो कि राजनीति में भी हैं, साथ ही साथ उनके फैमिली ने इतना विरासत में जो ये इंडस्ट्री को जिसको कहते हैं ना एक विरासत दी है
एक्टिंग के मामले में, तो उनको तो खासकर खुल के आना चाहिए था इसके मामले में सामने और सपोर्ट करना चाहिए था रवि किशन जी की बात को, बल्कि वो उसको सपोर्ट ना करते हुए ये कहती हैं कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपने अपनी थाली दूसरों को परोसी है, जबकि हर एक व्यक्ति इंडस्ट्री में अपनी खुद की थाली सजाता है और अपने बलबूते पे सजाता है। यहाँ किसी का कोई यहाँ पुश्तैनी सामान नहीं चलता आ रहा है। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री में आदमी अपने कर्म के हिसाब से चलता है और अपने कर्मों की सजा भी यही पाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल। और मैं ये कहती हूँ कि आज इतने सालों से आप को अमर सिंह जी ने इतना सपोर्ट किया था जब वो यहाँ दुबई में इतनी बुरी हालत में अपने बीमारी से लड़ रहे थे, तब ये बच्चन परिवार कहाँ चला गया था? आप दूसरी तरफ ले जा रही हैं मुद्दे को, लेकिन किशोर तिवारी जी के पास चलूंगा। ड्रग्स मामले की जांच, किशोर तिवारी जी, सीधा सीधा आरोप है के शर्मा जी का, कहाँ थी सरकार? और अगर सरकार को काम करना ही नहीं था, सब काम सेंटर को करना था, तो सरकार बनाई क्यों? फिर महाराष्ट्र सरकार का क्या काम? दीपक जी, सवाल पे सवाल आप किए जा रहे हैं। मैं एक बात करता हूं कि 2019 के अंदर बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री ने इसकी इंक्वायरी जिनके उनके पास ही गृह मंत्रालय था किसके बोलने पर रोकी थी, ये के शर्मा बता दी। अभी मैं आज को पहली बार बता रहा हूं कि हमारे सीएम साहब ने ये सब मैटर लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाने का डिसाइड किया है। एक बार कोरोना का संकट जो महाराष्ट्र में बहुत गौरा गया है उससे उभरने के बाद अभी सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, एनसीबी 50 ग्राम गांजे की इंक्वायरी कर रही है, ईडी भी इंक्वायरी कर रही है। ये लोग पहाड़ खोद के कुत्ता चूहा निकालते हैं, ये हम देख लेते हैं। लेकिन मैं अभी बताता हूँ, उद्धव ठाकरे परिवार का एक भी आदमी 1% भी इसमें किसी को बचा नहीं रहा, लेकिन बीजेपी राजनीति करके उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रही है और कंगना का यूज कर रही है। कंगना जी ने आपके चैनल पे नहीं, किसी दूसरे चैनल पर, कल मैं आपसे बात कर रहा था तभी इंटरव्यू देके बोला और उद्धव जी को गाली दी, महाराष्ट्र को गाली दी, बंबई को गाली दी। वो ठीक है, आपका सवाल मैं के शर्मा जी के पास ले जाता हूँ। के शर्मा जी, 2019 में उन्होंने ठीक कहा, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, अगर जांच उन्होंने रोकी तो वो आरोप लगा रहे हैं किसी के कहने पे रोकी, यही आरोप है ना कि किशोर तिवारी जी? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी सरकार ने जांच क्यों नहीं की उस वक्त? नहीं, मुझे जवाब देना जी। देवेंद्र फडणवीस सरकार थी 2019 जुलाई में। मैं बताता हूँ, आप मंजीत सिंह सिरसा जी से इसको वेरीफाई कर लीजिए। उस समय उन्होंने इस फुटेज को लेकर विषय को उठाया और उस विषय पर भी वहां पर सरकार ने अपनी जो सोर्सेस थे उसके बाद, लेकिन वो सरकार ये मत समझिए, दबाई ना दबाई, किसी ने नहीं दबाई थी केस को, किसी ने केस को नहीं दबाया। ये मत कहिए आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ थे उसमें, मुख्यमंत्री के पास सुन लीजिए, इसलिए तो बता रहा हूं, किसी ने नहीं दबाया है जरा, आप किसी ने नहीं दबाया। और दूसरी बात मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जो ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, जो है कंगना का जो है ये सहारा ले रही है बीजेपी पार्टी, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए दीपक जी, किशोर जी प्लीज, किशोर जी प्लीज प्लीज, आप बोलने दीजिए केके जी को, आपने अपनी बात कही, मैंने आपका सवाल केके जी से पूछा, सुन लीजिए जवाब फिर बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। नहीं नहीं, अब इनको इनको थोड़ा शांत रखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, इन्होंने आरोप लगाया कि कंगना जो क्या जो है बीजेपी सहारा ले रही है। भैया, हमको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हमको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो हमारे लिए वहां पूरी हमारी पार्टी है, हमारे विधायक है, हम जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी है और महाराष्ट्र की भी बड़ी पार्टी राज्य बीजेपी। तो आप हमको ये मतलब नहीं है कि हमें जो है कंगना रनौत की जरूरत पड़ेगी, वो तो कंगना रनौत को आपने आपने कर्मों से इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा इसलिए आपने बनाया, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपने उसके ऊपर लगातार अत्याचार किए,
लगातार अत्याचार किया, धमकी दिया, जान से मारने की धमकी दी, आपने उनको नहीं बोल रहा है। मैं आप दोनों को एक मिनट के लिए रुकूंगा, केके भाई और किशोर तिवारी जी, बहस को हम आगे ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आ रही है केके भाई, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, उसके बाद इस मुद्दे पर आता हूं। अभी अभी खबर आई है कि कृषि संशोधन अध्यादेश पर एनडीए में फूट पड़ गई है, बिल के विरोध में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। इस बिल का अकाली दल विरोध कर रही थी, कई सारे किसान सड़कों पर भी उतरे थे, अकाली दल का मानना था कि इससे किसानों का नुकसान होगा। ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है, हरसिमरत कौर मोदी सरकार जब से बनी है तब से लगातार खाद्य प्रसंस्करण और इससे संबंधित उद्योगों की मंत्री हैं। सीधे चलता हूं के शर्मा जी के पास। क्या शर्मा जी, ये कंफ्यूजन क्यों, इस्तीफे की नौबत क्यों आई है? शायद पहली बार हुआ है एनडीए की मोदी सरकार के अंदर इस्तीफे की नौबत आई है, क्या सहयोगी पार्टियों से कंसल्टेशन नहीं हुआ कैबिनेट के अंदर इस मामले पर? ये पहली बार नहीं है, ये शिवसेना पहले भी कर चुकी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो छोड़ के गए थे, इनके लोग भी तो इस्तीफा दिए थे, तो विषय ये नहीं है पहले तो। और दूसरी बात दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि उनका अपना क्या एजेंडा है ये वो समझे, लेकिन कृषि के संबंधित जो अध्यादेश हम लेकर आए थे लाए थे और जिसको अब बिल के रूप में संसद से हम पारित कर रहे हैं, निश्चित तौर से पूरे देश के किसानों के हित में, आप स्वयं भी उसका विश्लेषण कर चुके होंगे, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं हमने इतने अवसर किसानों के लिए पैदा किए हैं जो कभी एक मंडी के ऊपर निर्भर होते थे, केवल एक मंडी, वो भी एक शहर की मंडी पर डिपेंड होते थे, उनको हमने खुला आकाश दिया है कि वो भारत के किसी भी मंडी में किसी के साथ भी सौदा करके अपने फसल का ज्यादा से ज्यादा दाम ले सके। उनका ये कहना है कि इससे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगा, उनका ये कहना है। कैसे खत्म हो सकता है दीपक जी, आप मुझे आप तो समझ वो है, आप तो जानकार है इसके। नहीं, उनका जो शक है, मैंने वो सवाल पूछा। मैं बता देता हूँ एमएसपी जो होती है, दीपक जी, वो एमएसपी जो है हर साल चेंज की जाती है, उसको आप फिक्स नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल एमएसपी को फिक्स नया एमएसपी तय होता है, तो नया एमएसपी जो तय होता है उसको हम यदि इसमें मेंशन कर देंगे तो फिर तो एक जगह रुक जाएगी, फिर आप एमएसपी को कैसे चेंज करो, तो ये इसके मूल उसमें नहीं है। दूसरा, जिस एमएसपी का जो भाव है वो तो हर साल आएगा और उसी से तो तुलना होगी बाहरी मार्केट की और अंदर की मार्केट की, वही तो कंपटीशन कराएगा। ज्यादा पैसा उसे मिलेगा किसान को, तभी वो किसान अपना माल बाहर किसी और को बेचेगा, अदरवाइज तो एमएसपी पे बेच देगा वो, तो ये तो एमएसपी का कहां प्रॉब्लम है। ठीक है, एमएसपी खत्म नहीं हो रही आप ये कह रहे हैं, लेकिन किशोर तिवारी जी बताइए, आप तो किसानों के बीच काम करते हैं, जो विरोध है किसानों के अंदर थी है और रहेगी, इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टता कर दी है और कृषि मंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट किया है। बोलिए बोलिए किशोर जी बोलिए, इसके बाद मैं वापस विषय पर आऊंगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा था, आप बैठे थे, केके भाई बैठे थे, इसलिए मैंने इस मुद्दे को जनता के सामने उठाना उचित समझा। नहीं नहीं, आपने खुली अर्थव्यवस्था में किसानों की आत्महत्या देखी। अब बीजेपी ने 6 साल पहले हमें कहा था कि हम 150% कर देंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस और किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। अब क्या हो गया कि खुली अर्थव्यवस्था पे ये WTO का प्रेशर था कि मंडियां मत रखो, मंडियों का रिस्ट्रिक्शन मत रखो, पूरा का पूरा शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ दो। इनकी सरकार बता रहे हैं दीपक जी, WTO ने ऐसा कहां पर कहा है कि मंडी व्यवस्था खत्म करो, और WTO इंडिया के लिए काम कर रहा है, पूरे विश्व में जो काम कर रहा है, कहां की ज्ञान लेके आए किशोर जी? अरे भैया सर के बाल गए तो पहले झूठ तो बोलना बंद करो, किस WTO का बताइए मुझे, आप यहाँ बैठे आपके सर के बाल पक गए, अरे भैया तो दिमाग भी का जानकारी भी चली गई है किशोर जी, आपको यही नहीं पता है इसके संदर्भ में WTO का ऐसा कोई आदेश दिखाई है? केके शर्मा विचलित हो गए, ये विचलित नहीं हुए, आप झूठ बोलने के लिए यहाँ बैठे, आप WTO जिनको चुनौती दे रहे हैं WTO का अभी दिखाएं, झूठ डाले भारत के किसान तुमसे निकल गए,
अरे तुमने तो किसानों की कब्रगाह खोदी है और किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं और सब लोग मैं वापस से विषय पर आता हूं। किसानों पर आज का डिस्कशन नहीं है, चूंकि एक बड़ी खबर आई थी, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि WTO ऐसा नहीं कह सकता किसी सरकार को कि आप ये फलाना बिल लेकर आ जाओ, और ये बाइंडिंग भी नहीं है, ये एक रिफॉर्म है जो मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है। किशोर जी, इस पर हम किसी दिन और लंबी बहस करेंगे ताकि किसानों के मुद्दे को भी हम एड्रेस कर पाए, और तब मैं आपको भी बुलाऊंगा और के भाई को भी बुलाऊंगा। लेकिन सीधे मानवी के पास चलना चाहता हूं। मानवी, आपको क्या लगता है, आज जयाप्रदा ने कहा कि जया बच्चन जी तो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, अगर ऐसा है तो बच्चन फर्स्ट फैमिली इस परिवार को लीड करना चाहिए। करण जौहर की पार्टी की जांच भी हो, उन्होंने ये भी कहा, और बच्चन परिवार ड्रग्स के खिलाफ एक एक्टिव कैंपेन शुरू करे, करना चाहिए उनको। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि जया जी उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई जब दिशा की डेथ हुई, जया जी ने क्यों नहीं आवाज उठाई जब सुशांत की डेथ हुई है, और तमाम जो बातें हो रही है, जया जी ने 2 महीने तक जब सुशांत की इन्वेस्टिगेशन थी तब किसी ने भी बॉलीवुड में आवाज नहीं उठाई, जया जी क्या किसी ने भी बॉलीवुड में आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब ड्रग्स का एंगल आया तो तमाम बड़े बड़े सितारे हैं जो बीच में आ गए हैं, वो इस चीज को डेविएट करना चाहते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब डेथ हुई है और जब CBI इंक्वायरी नहीं हो रही है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मुंबई पुलिस ने कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तब किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब ड्रग्स का एंगल आया है तो कुछ लोगों को क्या सपोर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को बचाना चाह रहे हैं, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इसी वजह से बहुत जो बड़े स्टार्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और मैं जैसे देख रही हूँ बहुत स्टार्स ट्वीट भी कर रहे हैं कि मतलब क्यों ये ड्रग्स एंगल हो, बॉलीवुड को क्यों बदनाम किया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। बॉलीवुड को तो किसी ने भी बदनाम नहीं किया अभी तक, जिस ने ड्रग्स के लिए आवाज उठाई है किसी ने नहीं कहा, पूरा बॉलीवुड, सबने कहा चंद लोग, तो ये चंद लोग को पूरे बॉलीवुड का प्रसेप्शन कैसे बना लिया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर रवि जी और कंगना ने एक आवाज उठाई है और बोला है कि ड्रग्स खत्म हो जाने चाहिए मुंबई से, और कुछ ही लोग हैं जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है, तो कुछ को एक तो सारा बॉलीवुड ले लिया इन्होंने, और वो उन्होंने क्या गलत बोला, वो कह रहे हैं ड्रग्स हटने चाहिए, तो इसमें क्या गलत है, अगर ड्रग्स फ्री कंट्री हो जाए, अगर ड्रग्स फ्री हमारी महाराष्ट्र हो जाए, इसमें क्या गलत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इसका बताइए किशोर तिवारी जी क्या गलत है, कई लोगों ने क्या गलत कह दिया, या फिर क्या गलत प्रेशर है, या मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ऐसा लगता है कि इनको किसी से प्रेशर है। आप तक जाऊंगा सेकंड आर्गुमेंट के लिए किशोर तिवारी जी, क्यों जया बच्चन जब ड्रग वालों के सपोर्ट में खड़ी हो रही है तो शिवसेना उनकी बुरी बुरी सामना में सामना करके तारीफ कर रही है, क्यों बताइए किशोर तिवारी जी, क्या आप नहीं चाहते महाराष्ट्र से ड्रग कल्चर खत्म हो, अगर है तो, जो कि है। अब मैं बताता हूं कि सुशांत के मित्र और हमारे मराठी मानुष हिवरकर साहब बोल रहे हैं कि 90% लोग ड्रग लेते हैं, अब ये यार 10% कौन है बता दे, क्योंकि आप, अरे तो आपको बोल दिया सर, सरकार आपकी है, वो तो अपनी बात कह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया है अभी तक बताइए, जब सुशांत की डेथ हुई अगर आप रिया की मोबाइल ले लेते, रिया की चैट रिट्रीव कर लेते, ड्रग एंगल आप भी निकाल लेते, आपने ड्रग एंगल को जान के नहीं निकाला, क्योंकि बहुत लोग इन्वॉल्व थे, बहुत लोगों के नाम आते, एक तरफ आप रिया को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी तो झूठ उधर ही पकड़ा गया जब किसी और चैनल के माध्यम पर जाके वो बोलती है मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था, और जब NCB ने उससे बयान लिया तो पता लग गया कि वो ड्रग्स लेती भी थी, ड्रग्स का उसका पेडलिंग भी था, तो सब कुछ उधर ही सामने हो गया, और आप हर वक्त रिया को सपोर्ट कर रहे थे, और अभी भी आपकी कोशिश है कि किसी तरह हम लोगों की आवाज बंद हो जाए और जितने तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है वो छुप जाए किसी तरीके से, क्योंकि बॉलीवुड ने पहले पार्टी आवाज नहीं उठाई अपनी, बिल्कुल भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन जैसे जैसे नाम आ रहे हैं तो आप सबको घबराहट हो गई है, आपके चेहरे पे तोते उड़ गए, भोखला गए सारे के सारे कि बस ड्रग्स की जांच बंद हो जाए किसी तरह। मानवी जवाब ले लेते, जवाब लेते किशोर तिवारी जी, और आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस बचाओ रिया करके रैली निकाल रही है कलकत्ता की सड़कों पे, ये तो बंगाली ब्राह्मण है, इसको बचाओ, आपकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के लिए उतना ही दुत्कार रहे हैं, जो जो लेडी इतना कुछ कर रही है महाराष्ट्र के लिए, जो चाह रही है ड्रग्स को खत्म किया जाए, उसके लिए उतना ही दुत्कार और रिया को उतना ही सपोर्ट, और अब तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया कि वो झूठी है एक नंबर की, उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर भी आपको रिया ही ठीक लगती है, कंगना जो हमारे लिए इतना कर रही है महाराष्ट्र के लिए कर रही है, फिर भी आपको कंगना ही गलत लगती है, बताइए किशोर जी, दो टूक सवाल है मानवी का। अरे मानवी तनेजा मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है, मैं तो कभी जिंदगी में चाय भी नहीं पीता हूँ, आपकी पार्टी है तो आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगी, आपकी पार्टी है, आपके नाक के नीचे से ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, लॉकडाउन में आपके नाक के नीचे से सब कुछ हो गया, आपको पता ही नहीं महाराष्ट्र में इतना अच्छा काम किया पुलिस ने लॉकडाउन के टाइम, गाड़ी को पास होने
नहीं दिया, ड्रग्स पास हो रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आया, ड्रग्स पास हुई जा रहे हैं हर जगह लॉकडाउन में, या तो महाराष्ट्र में ड्रग्स थे, मेरे को ये नहीं समझ आया महाराष्ट्र में ड्रग्स थे क्योंकि सारी ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम बंद था, सारा माध्यम बंद था, ये तो अंदर ही है। अगर मैं बात करने लगूं की बात खत्म नहीं होगी। दूसरी बात ये, दाऊद का घर क्यों नहीं गिर रहा, भिंडी बाजार में दाऊद का घर क्यों नहीं मिल रहा, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अगर दाऊद का घर गिरा देगा तो ड्रग्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, ड्रग्स की सप्लाई बंद हो जाएगी, बहुत सारी चीजें फ्रॉड है। किशोर तिवारी जी और माननीय को दिखाई, अरुण भाई आ रहा हूँ आपके पास, किशोर तिवारी जी जवाब नहीं है, निरुत्तर कर दिया आपको माननीय ने, आपके पास कोई जवाब नहीं है। अरे बोलने नहीं दे रही हो, इनके मुंह में दो तेल जाते हैं, इनका मुंह बिल्कुल खड़े में टमाटर की तरह बन जाता है, इनको कोई जवाब ही नहीं है, इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, इनके पास एक भी जवाब नहीं है। दाऊद का घर क्यों नहीं गिराया, दो महीने का दो बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है घर गिराओ, आपके पास कोई घर नहीं है, और कंगना का घर 24 घंटे में गिरा दिया, 24 घंटे में दाऊद के लिए माननीय रुक जाइए, रिपीट कर रहे हैं आप, माननीय किशोर जी से जवाब ले लीजिए, माननीय एक मिनट किशोर जी से जवाब ले लीजिए, मानवी एक मिनट किशोर जी से जवाब ले, किशोर जी जवाब, एक मिनट आपके पास है, नहीं बोलेगी बीच में वो, अरे देखो नहीं बोलेगी ना, हम एज ए सरकार किसी भी गलत चीज को इंडोर्स करते नहीं है, हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये आपने को मैंने यहाँ बता दिया कि हमारे सीएम साहब इस पूरे प्रकरण को लॉजिकल कंक्लूजन को ले जाना चाहते, सर दाऊद का घर तो गिरा दो अभी, किशोर तिवारी जी वो सही पूछ रही है, दाऊद का घर क्यों नहीं गिरा रहे हो आप, वो तो गिरा दो कम से कम। दो हेयरिंग हो गई है कोर्ट में, दो हेयरिंग, आपके पास बंदे नहीं है, आपके पास बंदे नहीं है, ये आपने बोला है, कंगना के लिए 4 गुना ज्यादा बंदे थे आपके पास, इसका जवाब दे दो। अरे जवाब नहीं दो, अरे बाप रे बाप, कमाल है, ताली बजाओ, जवाब नहीं दो, अरे बाप रे, क्योंकि जवाब है ही तुम्हारे पास, तो इसलिए करना नहीं चाहते। एक मिनट के लिए मैं आप दोनों को ब्रेक दूंगा, दोनों ठंडा ठंडा पानी पीजिए, किशोर तिवारी जी कोई कहानी बनाई है जवाब की, के भाई मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, मेरे साथ शेखर सुमन जी जुड़ गए सीधे। शेखर जी सबसे पहले आपकी मुहिम एक अंजाम तक पहुंच रही है, इसके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने जो मुहिम शुरू करी थी वो अंजाम तक पहुंचे। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ड्रग्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, मेरा पहला सवाल, किसने किसकी थाली में छेद किया है, क्या रवि किशन ने किसी की थाली में छेद किया, बॉलीवुड की थाली में छेद किया, और क्या वाकई जिस थाली में वो खा रहे हैं छेद कर रहे हैं? देखिए ये तो शब्दों से खेल हो गया, ये तो थाली में छेद करना है ये तो एक मुहावरा है, और कोई किसी की थाली में छेद नहीं कर रहा है, सबकी अपनी अलग अलग थाली है, और अपनी थाली में अगर कोई छेद कर देता है तो कोई बुरी बात नहीं है, हाँ ये है कि आप दूसरे की थाली में जाकर छेद न करें। बहरहाल मैं कह रहा था एक मुहावरा है, कहने का ये मतलब है कि जिस शाख पे बैठे हो शाख को ना काटे, लेकिन अगर शाख अगर सड़ जाए तो उसको काटना जरूरी है, क्योंकि काटने के बाद भी नई शाखाएं निकल आती, तो इंडस्ट्री में जो ड्रग का मैनेज है और ड्रग की वजह से जो पूरी एक नई नस्ल जो खराब हो रही है, ये ड्रग का मामला पहले उतना ज्यादा नहीं था लेकिन अब ज्यादा हो गया है, और मुझे ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई है और ये ड्रग का मैनेज खत्म होना चाहिए। हालांकि मैं इस बात से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अगर कोई कहता है कि 99% लोग जो है इंडस्ट्री के वो ड्रग एडिक्ट है, ये बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बल्कि ये जरूर है कि 1% जो है वो जरूर ड्रग एडिक्ट है, वो हर जगह दुनिया में हर कहीं हर तबके में हर वर्ग में हर व्यवसाय में लोग हैं जो अच्छे बुरे होते हैं, यहाँ भी हैं और ड्रग एडिक्ट हैं, और वो तो पहले से ही नशे में चूर रहते हैं, स्टारडम के नशे में चूर रहते हैं, ये तो इनकी जिंदगी ही उड़ता पंजाब है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग उड़ रहे थे उनको खींच के जमीन पे लाया गया है, और मैं कहता हूं कि इनके नाम उजागर किए जाएं जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ये गलत गलत गंदी पार्टियां करते हैं, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री को एक बुरा नाम दे रहे हैं, जिनकी वजह से आज किसी की हिमाकत हुई कि कहे कि 99% लोग जो है ड्रग एडिक्ट हैं, जिसमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, जिसमें लोग जो हैं वो सिगरेट का सेवन नहीं करते, जो फिटनेस के प्रतीक हैं, जिसमें स्पॉट बॉयज हैं, जिसमें कोरियोग्राफर्स हैं, जिसमें आर्ट डायरेक्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, कैमरामैन हैं, वगैरह वगैरह, वो सब अपने काम से काम रखते हैं, कोई ड्रग व्रग कोई कुछ नहीं लेता, कुछ लोग हैं उनको अलग करना चाहिए। लेकिन इतना कहने पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हो रहा है हमारे इर्द गिर्द वो इतना शर्मनाक है कि हम सबका सर जो है वो शर्म से झुक जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से कि हम कहानी कहां लेके निकले थे, हम एक मांग करने निकले थे कि सुशांत के साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, हम उसकी खोजबीन करें, हम उसकी तफ्तीश करें, और हमें कई सारी दूसरी कहानियों में और सब प्लॉट्स में अपने अपने एजेंडा की वजह से भटका दिया गया, हम
रामायण पढ़ना शुरू किए थे, उसके बीच में महाभारत आ गया, सब लोग आपस में तीर कमान लेकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे का तिरस्कार कर रहे हैं, एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, पर इतने इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जैसे महानायक अमिताभ बच्चन है, जया बच्चन जी, इनको देख के हम बड़े वही सम्माननीय भी हैं, पूजनीय भी हैं। जब हम कहना चाहते हैं बाहर में गर्व से कि अमिताभ बच्चन हमारी इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि वो विश्व के महान अभिनेताओं में से एक है। लेकिन ये कहने के बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो मौन अगर अगर लगा जाते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं, तो मैं तो अदना सा इंसान हूं और उनके सामने सभी मौने हैं और सभी अदने से इंसान हैं। अमिताभ बच्चन के आप पाई पैर का अंगूठा भी नहीं बन सकते, लेकिन हम ये जरूर करना चाहेंगे कि अगर वो मौन लगा जाते हैं, मौन रहते हैं, चुप्पी लगा जाते हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम गुस्सा है, हम ये कहेंगे हम मायूस, हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हम सम्मान पूर्वक ये कहेंगे क्योंकि इन लोगों को हमने ही बनाया, आप लोग नहीं बनाए। ये जरूरी है ये भी कहना कि ये सिलेक्टिव आउटरीच सही नहीं है कि किसी मामले में तो आपने कहा और किसी मामले में जहां आपको सूट किया वहां आपने नहीं कहा, कहीं तो चुप्पी साध गए और किसी मामले में बोल रहे हैं। क्यों आपको हर किसी के मामले में बोलना चाहिए? सिर्फ ये कि सुशांत आपका भाई नहीं था, आपका बेटा नहीं था, आपका सगा नहीं था, इसको लेकर आप चुप्पी लगा गए, और ड्रग्स को लेकर जहां थाली में छेद करने वाली बात हो गई उसके लिए इतना बड़ा विद्रोह, ये तो जरूरी भी नहीं है। अभी जरूरी ये है, मैं बार बार चीख चीख के कह रहा हूं कि जिस ध्येय को जिस लक्ष्य को लेकर हम आगे निकले थे वो पूरा होना चाहिए। वो सुशांत के पीछे कौन लोग थे, कौन मास्टरमाइंड है, किसने ये षड्यंत्र रचा, किसने ये चक्रव्यूह रचा और रच रहा है, कौन से ये लोग हैं जो हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए रोक लगा रहे हैं या अवरोध पैदा कर रहे हैं, हमें उन्हें पता करना है। ड्रग का मैनेज ये ठीक है, ये होता रहेगा, इससे हम बाद में भी निपट सकते हैं, बल्कि जबकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने उड़ता पंजाब बनाया था और ड्रग मैनेज की बात की थी उसी वक्त, ये तो कोई नई बात नहीं है, आज कोई नई बात तो निकल के नहीं आई इंडस्ट्री में कि ड्रग का मैनेज है। इसके कितने वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जाने कब से सर्कुलेट कर रहे हैं, जहां लोग रेव पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, ड्रग्स ओपनली ले रहे हैं, क्यों नहीं इसकी तफ्तीश की, क्यों इसे राजनीतिक संरक्षण मिला, क्यों इन्हें बचाया? अलग मुद्दा जी शेखर भाई, दो सवाल। सबसे पहला सवाल ये कि आज जया प्रदा जी ने कहा कि जया बच्चन राजनीतिक बात करी, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चन परिवार बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली है, उनको फ्रंट से लीड करना चाहिए और अमिताभ बच्चन को खुद को ड्रग्स के खिलाफ जो है, ड्रग्स गलत है, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, वो कैंपेन शुरू करनी चाहिए। क्या आप जया प्रदा जी की इस बात से सहमत है कि अमिताभ बच्चन की खामोशी बहुत कुछ कह रही है और जया बच्चन एक तरह से ड्रग वालों का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है पार्लियामेंट के अंदर? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं मुझे किसी के साथ या किसी के साथ सहमत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे विचार अपने विचार हैं और मैं अपने एक निजी विचार रखता हूं और मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली जरूर, क्योंकि लोग अमिताभ बच्चन को खुदा मानते हैं, उनकी 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 बात जो है वो पत्थर की लकीर है, वो एक भीष्म पितामह की तरह है, और वो अगर वो कहते हैं तो उस बात में बहुत वजन होता है, उसमें इतना वजन होता है कि शायद 130 करोड़ लोग एक तरफ और बच्चन साहब एक तरफ वो कह देते और उनको कहना चाहिए कि ड्रग्स के खिलाफ जो ये आवाज उठ रही है बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह गलत है, इसने नस्लों को खराब किया है, इसने जनरेशंस को बर्बाद किया है। बच्चन साहब को ये कहना चाहिए था कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो मुझे उस वक्त कहना चाहिए था कि अगर सीबीआई इंक्वायरी होती तो मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए ये बार बार कह रहा हूं कि उनका मौन रहना सही नहीं है, हालांकि मौन रहना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका विशेषाधिकार, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हमारे परिवार का हिस्सा होते हुए जिनके प्रति सब लोग इतने आदर से देखते हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस रसूख में कमी इसलिए आ रही है कि लोगों को लगता है कि हमने उनको इतना बनाया तो कम से कम हमारे लिए तो वो बोले, इसलिए सब लोग बहुत मायूस हैं और शायद कुछ लोग बहुत ठीक है। मैं आपके कंसर्न को समझ रहा हूं और शायद देश भी आपकी इस बात को सुनके कह रहा है कि शेखर भाई जो कह रहे हैं वो सही है। एक सवाल और बनता है जो आखिरी सवाल, इतना ही वक्त लूंगा शेखर भाई मैं आपका, आप मुझे पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, मुझे ये बताइए कि अध्ययन को लेकर 2016 के एक इंटरव्यू के आधार पर महाराष्ट्र सरकार ने लिख दिया कि भाई इस केस को आप खोल दो, ये महाराष्ट्र सरकार ने कहा और बकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का स्टेटमेंट दिया गया कंगना को लेकर, लेकिन करण जौहर की जिस पार्टी के लिए साल भर से कंप्लेन की जा रही है उसके बारे में कुछ नहीं किया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो देख लीजिए कि ये कितना बड़ा अन्याय है, मतलब अध्ययन जो है वो 12 साल के अंधकार से लड़कर अब रोशनी की तरफ, उजास की तरफ बढ़ा है, अब उसे रोशनी की किरण नजर आ रही है, वो टिंका सिंह का रोल जो उन्होंने प्रकाश झा के फिल्म में किया है आश्रम में, जो वेब सीरीज उसे इतनी तारीफ मिल रही है, वो इतना खुश है, वो अपना अतीत भूल चुका है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसे जबरदस्ती
उस गंदगी में दोबारा खींचने की कोशिश की जा रही है, गलत है। उसका बार बार ये कहना है कि 2016 में जब मैंने ये इंटरव्यू दिया था तो मुझे प्रताड़ित किया गया, और मैं ये कंप्लेन आपसे भी कर रहा हूं, तमाम चैनल वाले से कर रहा हूं, और गुस्से में कर रहा हूं कि तब आप लोग कहां, तब आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया था, तब इस बात की तफ्तीश क्यों नहीं की गई थी जो उसने कहा था, अब क्यों? क्योंकि अब ये फिर कन्वीनियंट, ये सहूलियत की बात हो जाती है बहुत लोगों के लिए, ये उछालने की बात हो जाती है, इसलिए इस बात को उठाया जा रहा है। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं, उसे तब करना चाहिए था, और वो जो बीत गई वो बात गई, अब वो बात छूट गई है, वो उस अतीत से बाहर आ चुका है, वो अपना एक भविष्य बनाना चाहता है, और ये कहना चाहता है कि जिस इंडस्ट्री ने और जिस नेक्सस ने मुझे काम में मुझे प्रताड़ित किया, साइडलाइन किया, काम मेरा छीना, उसी इंडस्ट्री के कुछ अच्छे लोगों ने मुझे काम भी दिया है, तो मैं दोबारा वो जमीन पा सका हूं जहां पे मैं खड़ा हो सका हूं, और एक एक नया भविष्य, एक नया मुस्तकबिल मेरा इंतजार कर रहा है, तो वो शुक्रिया भी अदा कर रहा है। वो ट्रक के बिल्कुल खिलाफ है, उसने ये भी कहा बार बार कि मैं कुछ ऐसी पार्टियों में गया था जहां कुछ लोग ड्रग्स कर रहे थे, और ये बात उसने अपने कई इंटरव्यूज में कहा था। इस बात पे तुरंत प्रतिक्रिया लोगों को दायर करनी चाहिए थे, इस पे तुरंत इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इंटरोगेशन होना चाहिए था, वो बात नहीं हुई। अब इस बात को दफन कर देना चाहिए क्योंकि वो बात दफन हो चुकी है। एक लाइन और, क्या करण जौहर की पार्टी की जांच होनी चाहिए? पब्लिक डोमेन में है सब बातें, मांग हो रही है, लोगों ने एनसीपी में लिख दिया। अगर पब्लिक डोमेन में है किसी का भी, मैं तो किसी का विशेष तौर पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन पे है और सब लोगों को दिखाई दे रहा है तो फिर उसमें किस बात की देर है? बिल्कुल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और तब होनी चाहिए था। मैं तो अब कह रहा हूं कि जब इतनी देर क्यों हो जाती है, देर होने पर बहुत सारे सबूत भी मिट जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है अभी ब्लड टेस्ट कराने को जो तत्पर है वो तब ड्रग्स किया करते थे, 3 महीने अगर ना करें तो वो सब साफ हो जाता है, कौन से इंसान साफ हो जाता है, तो फिर ड्रग्स की क्या औकात है? तो ये सब जैसे ही कोई इस तरह की बात आगे उठे उस पर तुरंत इंक्वायरी करने की जरूरत है, इसको इतिहास को खंगालने की जरूरत नहीं है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत नहीं, उसी वक्त ये करना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जो गलत लोग दिखाई दिए, जिन्होंने खुद कहा कि मैं ड्रग लेता था या लेती थी, या जो भी जिन्होंने भी जैसे भी कहा, उन सबके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर भाई, सीधे चलता हूं अपने डिस्कशन को एक बार फिर से खोलूंगा। के भाई हाथ उठा रहे थे, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलता हूं निरंजन सिंह के पास मुंबई में। निरंजन सिंह आप मेरे दर्शक है, सम्मानित दर्शक है। निरंजन भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपसे, आपको क्या लगता है करण जौहर की पार्टी की जांच हो, और क्या अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के इस बयान को अब ठीक करने के लिए खुद लीड करें कैंपेन की कि बॉलीवुड की ड्रग्स के मामले में सफाई होनी चाहिए? प्रसन्न राजवीर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपको, ये देश का एक सबसे एकदम अच्छा शो चल रहा है अभी जहां तक रहा है, ये कंगना रनावत और अपने करण जौहर की 1 साल से इसको कवर पे स्टोरी बनाया गया, किसी ने इसको सामने लाया नहीं। अभी जब सिरसा साहब ने फिर से दोबारा उसको लाया है तो उसके बाद अभी भी इनको कवर अप बनाया जा रहा है, ना तो कोई ओपन होके आ रहा है सामने से। बॉलीवुड में दो टाइप की अभी बन गई है, एक बन गई है जो कवर पे स्टोरी बना रही है, एक है जो स्ट्रगल लोग के साथ है। अभी तो जया बच्चन ने स्टेटमेंट दिया अपने संसद में, दैट वॉज नॉट अ गुड, मतलब उसमें क्या उन्होंने एक थाली का जिक्र किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी कुछ कुछ बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। आज के डेट में मैं सीधे के भाई के पास चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन, आपने अपनी बात कही। के भाई मैं आपके पास चलता हूँ, मुझे बताइए पब्लिक कह रही है कि कुछ छुपाया जा रहा है, हमारे सर कहते हैं किशोर तिवारी जी कि भाई कोरोना खत्म हो जाएगा तो हम जांच करेंगे, क्या कोरोना के वक्त मर्डर केस की जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई कानून को तोड़ रहा है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो क्या उसको बचाना चाहिए? बताइए। नहीं, यही तो प्रश्न था दीपक जी, बार बार यही तो उठ रहा है, और ये शंका क्यों है? ये शंका इस सरकार के, अघाड़ी सरकार के बनने के साथ में शंका। मैं फिर से आज आपको, मैं एक बार आपके चैनल में कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, जैसे ही ये सरकार बनी इसके जो है पुलिस व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था पर एक लगातार प्रश्न थे। जब लॉकडाउन हुआ बंदा पर नहीं मार सकता था, उस समय एक धनी आदमी 5 कारों का काफिला लेकर और सरेआम मुंबई की सड़कों से भागता हुआ 400 किलोमीटर चला जाता है, और इनकी पुलिस कम से कम कई जिले क्रॉस किया महाराष्ट्र का उसने, और उसके अंदर कहीं उसके हाथ में एक आर्डर गृह मंत्रालय का है इनका, और कि वो जाने के लिए स्वतंत्र है, और वो घूम रहा है अपने ढंग से, कोई उसके जिम्मेदार नहीं। एक अधिकारी को जो है जो इन्होंने आरोप लगा दिया और उसे छुट्टी में भेज दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई जांच नहीं। दो संत पाल घर के अंदर इसलिए मार दिए जाते हैं, भीड़ जो है
पुलिस के सामने मार देती है और ये मुंह देखती रहती है इनकी पुलिस वहां पर, और वो पुलिस और ये कहते हैं कि साहब वो बच्चा का अपहरण कर रहे थे, चोरी कर रहे थे। एक संत जो है और एक अपहरण करने वाले, बच्चा चोरी करने वाले में अंतर नहीं है इनके यहाँ, यह पुलिस नहीं समझ पा रही है। ठीक है, और उसके बाद सुशांत केस और बाकी कंगना वाले मामला, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं सीधा चलता हूँ अक्षरा सिंह के पास। भोजपुरी एक्ट्रेस मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेरी फेवरेट एक्ट्रेसेस में से एक, एक्टर में से एक है अक्षरा सिंह। अक्षरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या रवि किशन ने कुछ गलत कहा? मेरे ख्याल से अक्षरा तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अक्षरा, सुन पा रही है मुझे आप? जी जी, मैं सुन रही हूँ जी। बताइए, क्या रवि ने कुछ गलत कहा? आप खुद भोजपुरी से आती है और मैंने कहा आप मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं, मुझे बताइए क्या रवि ने कुछ गलत कहा? रवि जी ने जो आवाज उठाई है ड्रग्स के बड़े ही तेजी से पैर पसारने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो बेहद ही अच्छी मांग की है उन्होंने। उन्होंने कहीं से कुछ गलत नहीं कहा है, फिर इतना ज्यादा चिटक लग जाना बेहद शर्मनाक है। शर्मनाक है। सवाल यह है कि शिवसेना क्यों तारीफ कर रही है जया बच्चन की? किशोर तिवारी जी, आप देश की आवाज सुन रहे हैं, कोई आदमी इस वक्त शिवसेना के साथ नहीं खड़ा हुआ है। देश की बहस के जितने दर्शकों को जुड़ा है, उसके बाद अरुण बख्शी जी के पास जाऊंगा। अक्षरा जी भी यही बातें बोल रही है, क्यों भाई? पब्लिक परसेप्शन के खिलाफ खड़े होकर कोई पॉलिटिक्स नहीं चल सकती। किशोर जी, आप इस बात को जानते हैं? आपने कहा आपके बाल उड़ गए हैं, वाकई बाल उड़ गए, और आपने धूप में नहीं उड़ाए, उम्र के साथ उड़ाए। पब्लिक परसेप्शन के खिलाफ खड़े होके आप कैसे चल लेंगे महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, केके शर्मा साहब ने हमारे आरोप लगाए और शेखर सुमन जी ने जो कहा कि 19 जुलाई के पर अगर कार्रवाई होती तो उन्होंने कहा 3 महीने में सबूत मिट जाते, तो देवेंद्र सरकार ने सारे सबूत मिटाने के लिए प्रयत्न किए। सर, सुशांत केस में आपने भी तो मिटा दिए, सुशांत केस में तो आपने भी मिटा दिए। अगर देवेंद्र सरकार ने मिटाए, मैं उसके लिए के शर्मा जी पर आरोप लगाऊंगा। अब मुझे बताइए, सुशांत केस में आपने नहीं मिटाए सबूत? रिया को क्यों छोड़ दिया? उसका फोन क्यों नहीं लिया? पहले दिन सुसाइड क्यों बता दिया? अनिल देशमुख सुसाइड की थ्योरी क्यों देते रहे? आपके लोग रिया के साथ क्यों खड़े हो गए? बहुत सारे सवाल हैं सर। और यहां पर करण जौहर की पार्टी के मामले में कहना चाहता हूं, विकी कौशल, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। करण जौहर, आप बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, अच्छा इंटरव्यू करते हैं, लेकिन इस पर चुप्पी खतरनाक है, ये आपके खिलाफ जाएगी एक दिन। ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं, बहस को आगे बढ़ाऊंगा। अक्षरा भी है, अरुण बख्शी भी है, किशोर जी तिवारी भी है, गणेश भी है, मानवी भी है और के भाई भी है।